हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। सीटेट के यूपी टेट प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन सीटेट यूपी टेट के एग्जाम में या सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन केवल मैथमेटिक्स के हैं और आपको गारंटी दिलाते हैं कि मैथमेटिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्यों ना हो। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे इस प्रकार की वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 1। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। आप लोग मैथमेटिक्स में जब भी अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, ऐसी स्थिति में आप बस ये समझ लीजिए कि आपकी अप्रोच क्या है। आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। मैथमेटिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहीं से भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, किसी भी जगह से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट में तो भी एक बार को नीड रहती है कि कहीं जेड को पढ़ने से पहले वाई पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए इसको। अप्रोच बस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, जैसे मैं एक फिगर से बनाना चाहूँ तो एक बीकर है मेरे पास, ठीक है। इस बीकर में 3/7 भाग में पानी है। 3/7 भाग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जब हम फ्रैक्शन पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को तो उसमें क्या पार्ट करते हैं? उसमें हम 7 भाग करते हैं उसके, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे मान लीजिए। और 3/7 का मतलब है ना, 3 भाग को फिल कर दिया है। तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसमें 7 भाग करूं इस बीकर के, तो 7 में से 3 भाग में पानी है ये कहा जा रहा है, तो 4 भाग में पानी नहीं है, यही तो बात है। अब उन्होंने कहा है कि उस 4 भाग को भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता है। तो जब 4 भाग को भरने के लिए, जो कि खाली थे, 16 लीटर की आवश्यकता है, यानी एक भाग जो है वो 4 लीटर पानी के बराबर हो गया। तो कुल भाग कितने थे उसमें? 7 भाग थे। तो 7 भाग जो हैं वो कितने लीटर पानी के बराबर हो जाएंगे? जब एक भाग 4 लीटर के बराबर है तो 7 × 28 लीटर पानी उसमें आएगा। 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है? अवरोही यानी कि डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। पहले आएगा सबसे बड़ा और फिर आएगा सबसे छोटा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए तो फिर आप पेपर में जो है जल्दी कर पाएंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे तुरंत ही आप उसका आंसर लगा सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले आएगा सबसे बड़ा, डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अच्छा, इसमें एक बात जरूर बच्चे पूछते हैं कई बार, 3.5 में और 3.05 में कौन बड़ा और कौन छोटा? ये आपको अपने आप दिख रहा है। नीचे वाले में बेशक संख्याएं बड़ी हैं लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कम है। तो 3.5 बड़ा है जबकि 3.05 छोटा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख करके ही ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ना कि इस बात के लिए कि आपका मैथमेटिक्स का कोई टेस्ट लिया जाए। आपकी अप्रोच क्या है, आप इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों को कैसे सिखाएंगे, बस ये जानकारी लेने के लिए सीटेट या टेट में इस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हम इसको रफ कर देते हैं। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें पहले पढ़ लीजिए और बहुत तेजी से उस क्वेश्चन को पढ़ा लिए, डाटा को एनालिसिस कीजिए कि क्या क्या डाटा दिया गया है और क्या आपसे फिर पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे? सीधे सीधे जल्दी से आप पढ़ लीजिए, दुकानदार ने इतने किलोग्राम बादाम, इतने ग्राम किशमिश, इतने ग्राम काजू को मिला दिया और फिर मिश्रण को बांटा गया है। तो इसका मतलब हमको टोटल तो करना ही पड़ेगा। टोटल करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको ग्राम में लेके चलिए, क्योंकि किसी जगह पर ग्राम है, किसी जगह पर किलोग्राम है, तो उसका लोएस्ट वाला जो यूनिट है उसको आप लेकर के चलिए। जैसे किसी डिस्टेंस को अगर मेजर किया गया है तो कहीं पर मीटर में है, कहीं पर सेंटीमीटर में है, कहीं पर मिलीमीटर में है, तो आप सबको मिलीमीटर में बना लीजिए, यानी जो स्मॉलेस्ट उसका यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ कहीं पर किलोग्राम है, कहीं पर ग्राम है, तो आप सबको ग्राम में लिख लीजिए। तो बादाम की अगर हम बात करें तो उसने 5.3 किलोग्राम यानी 5300 ग्राम हो गए, 2100 ग्राम जो है किशमिश हो गई हैं, 2.2 किलोग्राम का मतलब 2200 ग्राम जो है काजू हो गए हैं, और इन सबको मिला दिया जाए तो 9600 ग्राम जो है क्या हो गए, टोटल चीज़ें हो गई। उसने क्या करा है, दो दर्जन पैकेट, दो दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12, दो दर्जन में मतलब 24, 24 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो एक पैकेट में 24×96 800 ग्राम, सॉरी 2400 का 96 400 ग्राम आएगा। कितना आएगा?
400, एक पैकेट में कितना वजन आएगा, 400 ग्राम आएगा। इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं दो अंकों की एक सम संख्या हूँ। तो देखिए चार ऑप्शन फटाफट से देख लीजिए, चारों सम हैं, इसका मतलब अभी हम आंसर नहीं दे सकते। मैं 3, 4 और 6 का गुणज हूँ। 3, 4 और 6 का गुणज का मतलब ऐसी संख्या जो 3 और 4 और 6 से तीनों से कट सकती हो। तो 12 जो है तीनों संख्या से कट सकती है और 12 के ही मल्टीपल में आंसर होंगे। तो 12 × 24 = 36, इस तरीके से आंसर आएंगे। तो इसमें आपको 24 भी दे रखा है, 36 भी दे रखा है और 48 भी दे रखा है, 56 नहीं है, यानी आपका एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आपको तीन ऑप्शन में से सही उत्तर का चुनाव करना है। अब उन्होंने कहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो आप इनमें से ऐसी संख्या देखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा टेबल में आती है, ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी में आती है। तो 36 वो संख्या है जो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, इसके बाद में फिर 9 से भी कटेगी, फिर 12 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और फिर 36 से भी कटेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके 9 फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसका अंदर 36 इसका आंसर हो गया, 34 का 35। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए क्या करती है, वो कुछ रकम बचा रही है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, ठीक है, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है, जो वो बचत कर रही है इसमें से भी 60 रुपये वो खर्च कर लेती है। और उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो एक सप्ताह में उसकी होने वाली जो बचत है वो कितनी है, उसकी एक सप्ताह में जो बचत है वो कितनी है, 170 रुपये, क्योंकि 60 रुपये वो खर्च कर देती है। एक सप्ताह में उसको 170 रुपये की बचत होती है और 5,950 रुपये का उसे मोबाइल खरीदना है, यानी 170 से आपको इसको क्या कर देना होगा, इसको डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। तो इसको 0 से 0 कट गया, 17 से इसको काटेंगे, 17 × 3 = 51, 8 × 85 = 17, 5 × 85 = 35, ठीक है, 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 वीक उसे लग जाएंगे एक मोबाइल खरीदने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है। जनरली ये क्वेश्चन साइंस वाले स्टूडेंट्स ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, हर कोई इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है। फिर भी मैं आपको एक बाइनरी सिस्टम का बहुत सिंपल सा टेक्निक आपको बता देता हूँ। बाइनरी नंबर जो शुरू होते हैं वो 2 की पावर 0 से, इस तरह से 2 के आधार पर होते हैं, तो इसलिए 2 की पावर से शुरू होते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से सीक्वेंस में चलते हैं। अब इस नंबर का मतलब क्या है ये भी आप समझ लीजिए। बाइनरी में आपको 11011 ये दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 0 आपको लेना है, 2 की पावर 1 आपको लेना है, 2 की पावर 2 आपको नहीं लेना है, ठीक है, उसको मैंने कट लगा दिया। फिर 2 की पावर 3 लेना है, फिर 2 की पावर 4 लेना है। इन सब की वैल्यूज लगा लीजिए, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया और 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया। इन सबको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 2 और 1 3 और 8 हो गए 11, 11 और 6 17 और 10 27, 27 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर हों, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। वर्ग की जो भुजा है उसको 20 सेंटीमीटर कर दिया तो चारों तरफ ही तो 20 20 20 बढ़ जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, उसका परिमाप कितना हो जाएगा। पहले परिमाप था 40 सेंटीमीटर, अब हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा या तीन गुना हो जाएगा। 40 जो है वो 80 अब हो गया है, पहले 40 था, तो कितना हुआ है, बढ़ा है कि कम हुआ है। तो इसका आंसर आप अपने आप देंगे, कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति सिमेट्री, ये भी अच्छा समझ लीजिए। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे ए है, अब आप इसको दूसरी तरफ बनाएंगे तो ये भी सेम टू सेम बनेगा, या एच है, एच को भी आप दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरी तरफ देखने का मतलब इसके बराबर में अगर हम मिरर लगा दें तो सेम टू सेम आकृति बननी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक्स जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसकी दोनों तरफ सममिति की सिमेट्री की क्या है, रेखाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
72 इंटू 28 इक्वल्स टू 36 इंटू 4। अच्छा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 72 इंटू 28 इक्वल्स टू 36 इंटू 4 इंटू क्या आएगी, खाली स्थान है ठीक है। तो देखिए यहाँ 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इंटू 28 इक्वल्स टू 36 इंटू 4 इंटू समथिंग चाहिए मुझे, 36 से 36 कट गया, चार से ये सात बार कट गया, 28 सात दूनी 14, यहाँ से यहाँ पर क्या आएगी नंबर 14 आएगी। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट 14 तो आपको आंसर में नहीं दिया है, उन्होंने पूछा है कि इसमें से क्या क्या सही होगा, तो सात का एक गुणज है बिल्कुल सही है, एक अभाज्य संख्या है तो 14 एक अभाज्य संख्या तो नहीं है, ये तो गलत हो गया है ठीक है। 10 से कम है ये भी गलत हो गया है, एक सम संख्या है बिल्कुल 14 एक सम संख्या है, और 56 का एक गुणनखंड है तो 14 चौका 56 बिल्कुल है। तो ए डी ई, ए डी ई किस में है, ए डी ई फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला इज करेक्ट आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कक्षा थर्ड में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना यानी कंसेप्ट को समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करना करने की आवश्यकता है, किस किस तरीके से वो किस ऑर्डर में शुरू करेगा ठीक है। तो चतुर्थांश के प्रतीक को स्याम पट पर लिखना, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश बांटना, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो बताइए इसमें से आपकी क्या अप्रोच रहेगी, आप अगर छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी। सबसे पहले किसी ठोस पदार्थ को लेकर के ही हम छोटे छोटे टुकड़े करके दिखाएंगे, उसको बताएंगे कि वाकई में अपॉन वाली जो फ्रैक्शन वाली जो पार्ट है वो है क्या, किसी एक ठोस पदार्थ को और उसके टुकड़े करके बराबर बराबर ये हम उसको दिखाएंगे कि ये कंसेप्ट है, ये 1/4 है ठीक है। फिर उसके बाद में उसको चित्र दिखा करके दिखा सकते हैं, अब हमारे पास नहीं है मटेरियल, अब वो चित्र से भी समझेगा, और फिर उसके प्रतीक को हम जो है स्याम पट पर लिख सकते हैं, तो बी सी ए इज द करेक्ट ऑर्डर, तो थर्ड इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41, थर्ड क्लास का एक छात्र है 16×25 का गुणा इस प्रकार किया है, 16×25 को लिखा है उसने 8×2×5×5 ठीक है, तो सही लिखा है उसने। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कई बार देखिए हर तरीके के क्वेश्चन में आप लोग जब देखते होंगे छोटी छोटी क्लासेस में, आपको ये बेसिक मैथ में भी मिल जाएगा, हमने तीनों प्रगुण पढ़ाए हैं, ये प्रगुण कहलाते हैं, उसको प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन की भी मिलती हैं और आपको एडिशन की भी मिलती हैं, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कम्यूटेटिव है, इस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको बेसिक मैथ की सीरीज में मिल जाएंगी ठीक है। तो इसमें वो किसका प्रयोग कर रहा है, सहचर्य सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है ठीक है, सहचर्य सिद्धांत का वो प्रयोग कर रहा है यानी एसोसिएटिव का प्रयोग कर रहा है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, मान लीजिए आपके क्लास में कोई दृष्टिबाधित छात्र है तो उसको आप कैसे समावेशी शिक्षा देंगे यानी सबके साथ लेके कैसे चलेंगे उसे, तो उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करें, ये बिल्कुल ठीक जवाब है क्योंकि आपको वैकल्पिक साधन ही प्रयोग करने पड़ेंगे उसके लिए तभी, क्योंकि वो दृष्टि दोष से उसके अंदर समस्या है, देखने में उसे समस्या है, दृष्टिबाधित छात्र है, तो उसको जो अल्टरनेट वे होंगे हमारे उसे सीखने के, जिससे वो छू करके टच करके या और सुन करके चीज़ों को समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आ जाए तो उस पर थोड़ा सा देर, एक सेकंड एक्स्ट्रा दीजिए, जब भी आपसे कोई नकारात्मक शब्द के साथ कोई प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो उसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए तभी आप उसका उत्तर सही से दे पाएंगे ठीक है। तो इसमें पक्षांतरण यानी ट्रांसपोजिशन आपसे पूछा गया है, तो मानस दर्शन, विजुलाइजेशन, बिल्कुल ट्रांसपोजिशन भी चाहिए, विजुलाइजेशन भी चाहिए, मेमोराइजेशन नहीं हो सकती गणित की कोई एक प्रक्रम, आप अगर उसे रटाएंगे बच्चे को, मेमोराइज कराएंगे, कंठस्थ कराएंगे तो ये गणित का कोई प्रक्रम नहीं है ठीक है। एस्टीमेशन है, विजुलाइजेशन है, ट्रांसपोजिशन है, पक्षांतरण है, ये सब हैं, कंठस्थ याद करना ये नहीं हो सकता, ये आपके हिंदी में, अंग्रेजी में, लैंग्वेज में तो समझ में आता है, ये यहाँ पर कभी नहीं हो सकता कि आप इस तरह से कंठस्थ करेंगे ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कंसेप्ट, शुरुआत में जब हम बच्चों को नंबर सिखाते हैं तब उस कंसेप्ट में इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल हम करके दिखाएंगे बच्चों को,
क्लास इंक्लूजन वर्ग समावेश बिल्कुल करके दिखाएंगे। वर्ग समावेश का मतलब 10 से 20 तक लिखो, 20 से 30 तक लिखो, इस तरह की क्लास इंटरवल के थ्रू उसको कहते हैं। और कंजर्वेशन संरक्षण भी बिल्कुल दिखाएंगे कि क्या कंजर्वेशन के अंतर्गत आपका जितनी भी माइनस की प्रोसेस है वो सब आती है, तो प्लस माइनस हम सिखाते ही सिखाते हैं बच्चे को स्टार्टिंग में। मापन मेजरमेंट नहीं आएगा, मेजरमेंट जो है ये नहीं आएगा, तो इसका सही उत्तर जो है वो मापन हो गया क्योंकि नहीं है पूछा है। 45 देखिए, 45 में उन्होंने कहा है कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, संख्यांक और संख्या में अंतर क्या है। एक जो संख्या होती है वो प्लूरल है, ठीक है, ऐसे समझिए। संख्या जो वर्ड है वो प्लूरल है यानी नंबर, और न्यूमेरल जो है वो सिंगुलर वर्ड है, ऐसे समझ लीजिए इसको बहुत अच्छे से। संख्या जो है कई सारे संख्यांक से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 47, तो इस 47 संख्या के बनने में 4 और 7 जैसे संख्यांक का इस्तेमाल किया गया है। संख्या के वे अंक जिनसे मिलकर के संख्या बनी है उनको संख्यांक कहते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए। तो अब देखिए क्या क्या कहा है, कथन सही है पूछा है। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो मैंने अभी अभी बताया दोनों के बारे में, तो इसका चौथा वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। क्या है, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं, ठीक है। एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। तो अब देखिए क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कौन सा कथन सही है। ए की योग संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना को, नहीं गलत है, बी में समुच्चय कहाँ है। ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित कर रहा है, हाँ 15 संतरे 17 संतरे यानी वो समुच्चय बना रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं। बी योग की संवर्धन, बिल्कुल ये संवर्धन, इसमें वृद्धि हो रही है तो संवर्धन संरचना, इसका सेकंड वाला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करना, इस कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है। वॉल्यूम है, एरिया है, लेंथ है, क्षेत्रफल है, गुणनखंड है और परिमाप है, बिल्कुल यही ठीक है। टाइल की बात हो रही है, 2D फिगर हो गई तो इसमें आयतन तो आएगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, चौथा भी इसमें आयतन आ रहा है तो गलत हो गया, तो सीधा सीधा आपके पास दूसरा ऑप्शन बचा जिसमें क्षेत्रफल है, गुणनखंड है और परिमाप है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि टाइल्स की बात हो रही है, 3D नहीं है, 2D की बात हो रही है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, बिल्कुल ठीक, लीजिए पहला ही आंसर आपका सही हो गया। भार के संरक्षण की समझ यानी कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रेस्पीड बिफोर द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ऑब्वियसली बात है आपको 2D पहले समझनी होगी, 3D से पहले जस्ट इसी तरीके से आपको बस काम करना है। भार का मतलब क्या होता है, वेट, वेट का मतलब m into g, मास चाहिए, तो मास क्या है, 1D चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, वॉन हेले ये एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने अपनी काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हैं, मेरे फेवरेट भी रहे हैं। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह क्या है, ठीक है। तो इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में विशेष रूप से लिखा है और यही रीज़न है कि इनको कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ज्योमेट्री स्ट्रक्चर को और उसकी संकल्पना को और उसको ज्योमेट्री स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए हम बच्चे के चिंतन का विकास कैसे करेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा है इन्होंने। तो ज्यामितीय चिंतन के बारे में, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है, किसके द्वारा हम करते हैं, तो प्रयत्न त्रुटि विधि, तो चित्रांकन करना, कंठस्थ करना नहीं हो सकता गणित में, भाई इसे काट ही दीजिए, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना नहीं हो सकता मैथमेटिक्स में। देखिए ये नकारात्मक वाक्य ही आपको दे देते हैं, अप्रोच आपके क्या होने चाहिए, हिट एंड स्ट्राइक मेथड से, है ना, विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी कंठस्थ आ रहा तो ये भी कैंसिल हो गया, तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
मैथमेटिक्स में कंठस्थ करने का, रटने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, मेमोराइजेशन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक समझ लीजिए, यानी कि रोट लर्निंग हमारे यहाँ नहीं चलेगी, मतलब मैथमेटिक्स में नहीं चलेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.06 की कंसेप्ट को समझाने के लिए किस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है, किससे आप इजीली समझा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार की चीज़ों को हम ग्राफ पेपर से इजीली समझा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर हो जाएगा। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। NCF 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक, देखिए NCF 2005 और NCF 2009 दोनों आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, सीधे डायरेक्ट लिंक, किसी भी दूसरी YouTube वीडियो या किसी और की बातों में मत आइए, आप स्वयं से पढ़िए। हिंदी में हैं दोनों ही NCF, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, 10 मिनट ज़रूर खर्च हो जाएंगे आपको पढ़ने में, 40-45 पेज के केवल NCF है, इनको पढ़ डालिए, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और 100% श्योर NCF से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलना ही है, चाहे वो पेपर वन हो चाहे वो पेपर टू हो, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए, NCF के अनुशंसा के अनुसार कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। गणित का पाठ्यक्रम जो है वो प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर होना चाहिए, यानी हमारी डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हीं को हमको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बना करके और बच्चों के बीच लेके जाना चाहिए, दैट इज करेक्ट आंसर। नकारात्मक बिल्कुल शब्द प्रयोग नहीं करेंगे हम शिक्षा के क्षेत्र में, ये समझ लीजिए, वहीं से हमको आंसर पता चल जाता है कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है।